हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम भाग चार हिंदी का पाठ दान का हिसाब नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न वन, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? का, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ख, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। ग, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। घ, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उत्तर, का उत्तर बच्चे देखें, दान के समय वह हाथ खींच लेता था। ख, हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ गईं। ग, सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। घ, राजकोष में धन का सागर लहरा रहा था। बच्चों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए, आप इनको अच्छे से तैयार करें। प्रश्न, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो, सोच कर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? उत्तर, अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्र करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन पानी दवाइयां व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न एक का, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता है? बच्चों, राजा राजकोष का उपयोग निम्नलिखित कामों में करता था। पहला, राजकाज के कामों के लिए। सेकेंड, निजी उपयोग के लिए। थर्ड, महल के रख रखाव के लिए। फोर, जनता या प्रजा के लिए। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। बच्चों, ये चीज आप अपने घर में अपने माता पिता से पूछ करके लिख सकते हैं। उत्तर, हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली के बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना, घर का रख रखाव इत्यादि कार्यों पर खर्च करते हैं। प्रश्न ख, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? उत्तर, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष में से 10,000 रुपए दे दे, ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो, मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो
जहां अच्छे झूले लगे हों। प्रश्न, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? का मंत्री, ख भंडारी, का मंत्री राजा का दायां हाथ होता है, वह राजा का सलाहकार होता है, उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है, वह प्रजा सुखी रहती है, दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। ख भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है, वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है, राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। प्रश्न, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि कर्ण कौन थे, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है, दान क्या होता है? बच्चों, इन तीनों के उत्तर आगे आप देख सकते हैं। उत्तर, कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे, वो बहुत दानवीर थे। बच्चों, आपने कर्ण का नाम सुना ही होगा और उनको आप जानते भी होंगे, क्योंकि इनके विषय में ये मालूम है कि वो बहुत दानी थे। ख, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना, वह किसी के मांगने पर कभी मना ना करना। कर्ण बच्चों ऐसे थे जो इनसे कोई भी चीज मांगता था वे उसको जरूर पूरा करते थे। ग, किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। घ, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। पहला, कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। थर्ड, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। फोर्थ, कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। प्रश्न का, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने विचार का कारण भी बताओ। बच्चों, इसका उत्तर है हमारे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था, वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था, यह गलत नहीं था। प्रश्न, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? उत्तर, राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था, इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सकता था। प्रश्न, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, पहला पूर्व एक दिशा और पूर्व का मतलब बच्चों पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए आप दो दो वाक्य बनाइए। का जल, गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। बच्चों, आप जल के दो उपयोग या उनके दो अर्थ समझ गए होंगे। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बाजार से चार मन गेहूं ले आना, इसमें एक मन का मतलब हुआ खुशी से है और दूसरा मन एक तौलने की इकाई है।
मगर इस नदी में बहुत तरह के मगर हैं, वह बहुत पढ़ा मगर पास ना हो सका। बच्चों आप यहाँ एक मगर जो पहले मगर में है वो एक जानवर है जो कि पानी में रहता है, और दूसरा बहुत पढ़ा मगर लेकिन उसका अर्थ होगा लेकिन पास ना हो सका। बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।